मगध मगध आर फ्रीजर. हाँ जी. आई होप इट इज राइट मिस्टर कंप्यूटर. ए मगध फॉर शोभा. फ्रीज इट प्लीज. यू प्लेड वेल. 20,000 रुपीज तो है. नहीं काफी नहीं है. काफी नहीं. अच्छा कनाडा में ब्रेक को क्या कहते हैं? ब्रेक के हो गुणा. ब्रेक के हो गुणा. लेडीज एंड जेंटलमैन जल्दी से जाइए एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए. उसके बाद मैं शोभा को और आपको इसका आंसर बताऊंगा. ब्रेक के हो गुणा. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम. मेरे साथ बैठी हुई हैं शोभा राजगिरी कोलकाता से जो टॉलीगंज में रहती हैं. आपसे सवाल था कि बुद्ध के समय में अजात शत्रु किस महाजन पद पर शासन करते थे. आपने जवाब दिया है ए मगध. मिस्टर कंप्यूटर इज ए मगध राइट? यस ए मगध इज द राइट आंसर. वेल डन. और यहां पर जो बैठी हुई ऑडियंस है 75% ने भी यही वोट किया कि मगध सही जवाब है. सो वेल डन. यू डन वेरी वेल. 40,000 रुपीज. 3 लाइफलाइंस अभी भी बरकरार हैं. आप एक बात बताइए मुझको यहां से इंशाल्लाह आप 2 करोड़ रुपए जीत कर जाएंगे. आप उस पैसे से क्या करेंगे? बहुत पर्सनल हो तो मत बताइएगा बट स्टिल लेट मी नो. पर्सनल नहीं है. वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू बैंगलोर नाउ. अभी बैंगलोर शिफ्ट करना चाह रहे हैं. ट्रांसफर हो गई है हमारे. ओके आपका क्या आपके हस्बैंड का? माय. अच्छा सो वी आर शिफ्टिंग आवर बेस टू बैंगलोर. तो काम वो कहाँ काम करते हैं? वो स्वराज मज़दा में थे. अभी ही क्विट हिज जॉब. ओके एंड वी आर शिफ्टिंग टू बैंगलोर. तो बैंगलोर में इच्छा है कि एक मकान ले ले. तो 2 करोड़ मिलने से काफी हेल्प तो होगा जरूर. तो हम दुआ करते हैं केबीसी की तरफ से कि आप 2 करोड़ रुपए लेकर जाएं और अपना घर बनाएं अपना घर बसाएं बैंगलोर के अंदर. तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हैं. 7वां सवाल है 80,000 रुपए के लिए शोभा. मिस्टर कंप्यूटर 7th क्वेश्चन पेश किया जाए. नवंबर 1933 को शांति निकेतन में जन्मे किस व्यक्ति का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था जिसका अर्थ संस्कृत में अमर होता है? मालूम है आपको? आइडिया है. आइडिया है. आप चॉइसेस दीजिए पहले. ओके आपकी चॉइसेस हैं ए अमृता प्रीतम, बी अमर्त्या सेन, सी अमरिंदर सिंह, डी अमिताभ घोष. बी अमर्त्या सेन. बी अमर्त्या सेन. हाँ जी. बी अमर्त्या सेन. बी अमर्त्या सेन. आई फ्रीज इट. हाँ जी. कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं आप. मिस्टर कंप्यूटर बी अमर्त्या सेन. फ्रीज इट प्लीज. एब्सोल्युटली वंडरफुल. बी अमर्त्या सेन इज द राइट आंसर. वेल डन शोभा. आप टैगोर साहब के काम से परिचित हैं? परिचित हैं. एंड देयर इज वन वेरी फेमस लाइन ऑफ हिज व्हिच आई वुड लाइक टू रिलेट टू. हम प्लीज आप हमको सुनाइए कुछ टैगोर. ठीक आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट लाइन बट आई कैन जस्ट टेल यू दैट इफ आई वर अ बर्ड इफ आई हैड विंग्स आई वुड लाइक टू स्प्रेड माय विंग्स एंड लीव ट्रेसेस इवन इफ आई डोंट लीव ट्रेस इन द स्काई आई एम हैप्पी दैट आई हैड अ चांस फॉर दिस फ्लाइट. Oh, wonderful. Very nice. Very, very good. और कोई poems आती है उनकी? आती तो नहीं है but उनका बंगाली में there's a very famous song. हाँ बंगाली में बताइए ना थोड़ा सा. I do not know the song. It is something like this. Ekla chalo re, ekla chalo re. I think my friends back in Calcutta would be happy. At least I could say those 2 words. Ekla chalo re. आपको मालूम है? उनको जितना मालूम है उतना ही मालूम है. मैंने नोट किया आप ना मुझे धोखा दे रहे हो. आप हर लैंग्वेज के 2-2 लाइनें बता के ना चुप जा रहे हो ताकि आपको पता नहीं चले. हाँ कि मैं ना सीख जाऊं जल्दी से. ओके एकला चलो रे एकला चलो रे. ओके 8वां सवाल 1,60,000 रुपए के लिए है. व्हाट डज इट मीन एकला चलो रे? अकेले चलो रे? यस. ओके नहीं आप हमारे संग संग चलिए 2 करोड़ की तरफ. 8th क्वेश्चन मिस्टर कंप्यूटर फॉर 1,60,000 रुपीज पेश किया जाए. इनमें से कौन सा देश BRIC ब्रिक राष्ट्रों का हिस्सा नहीं है? ए ब्राजील, बी चाइना या चीन, सी इंडिया भारत, डी रोमानिया.
I don't know what is BRIC group of nations. आपको मालूम नहीं है BRIC group of nations क्या है? It's an emerging economic superpowers का group. India is a part of it. India आपको लगता है इसका part? जरूर है. जरूर. China is also. China is also. I've got a doubt between Brazil and Romania. सोचिए. ब्रेन काम नहीं करता ऐसी जगह पे. तो ब्रेन से मत सोचिए. दिल से. दिल से सोचिए. तुक्का मारना पड़ेगा आपसे. नहीं नहीं तुक्का मत मारिए. दो सेकंड सोचेंगे. मैं भी चुप रहता हूँ. इट'ल गिव अ क्लियर पिक्चर. अदरवाइज द थिंकिंग कैप इज देयर. क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है? ऊंचा ऊंचा सोचिए. It has to be between A and D. आपको A और D यानी ब्राजील और रोमानिया के बीच में. हाँ जी. कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन है. हम 50-50 यूज करेंगे. 50-50 यूज करेंगे. हाँ जी. ओके मिस्टर कंप्यूटर, शोभा अपनी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती हैं. उनको ये ऑप्शन दिया जाए, उनके सामने से जो दो गलत जवाब है वो निकाल दिए जाए. अब एक सही रह गया है और एक एम आई. डी रोमानिया. डी रोमानिया. जी. फाइनल. जी डी रोमानिया. मिस्टर कंप्यूटर, शोभा सेज डी रोमानिया या रोमानिया. फ्रीज इट प्लीज. ओके डी रोमानिया इज द राइट आंसर. वेल डन. क्योंकि आपको मालूम नहीं है और मुझे जानता हूं कि आप इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगी. ब्रिक इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राजील बी रशिया आर इंडिया आई एंड चाइना सी एज द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर. आपको खाली ब्रिक का फुल फॉर्म बता देना चाहिए था. अगली बार जो होगा ना सवाल उसमें मैं बता दूंगा फटाफट. अभी बताता हूं मैं आपको. अच्छा आप बताइए कि बांग्ला में ब्रेक को कैसे कहते हैं? गो फॉर अ ब्रेक. एक्टा ब्रेक नीन. एक्टा ब्रेक नी. नीन. नीन. हां जी. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी से जाइए और फटाफट आइए क्योंकि शोभा यहां पर बहुत बहुत अच्छा खेल रही हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं. एक्टा ब्रेक नीन. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. मेरे सामने बैठी हुई है शोभा राजगिरी जो कोलकाता से हैं, टॉलीगंज से, और बहुत अच्छा खेल रही हैं. 1,60,000 रुपए जीत चुकी हैं. दो लाइफलाइंस अभी भी बरकरार हैं. 3,20,000 रुपए के लिए नोवा सवाल करूं? हाँ जी. ओके मिस्टर कंप्यूटर, नाइन्थ क्वेश्चन पेश किया जाए. वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में इनमें से कौन पहली बार श्री राम से मिले? ए विश्वामित्र, बी हनुमान, सी जटायु, डी केकई. It's not Kaikeyi. It's not Vishwamitra either. Vishwamitra aur Kaikeyi aapko lagte nahi? Nahi hai. Kishkindha, I think. Kishkindha. Jahan Vali aur Sugriv, that was their kingdom.